me facts, not fiction. Then you know I'm fucking listening, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiven. You're the only one that's with me. So get up and stay committed. Don't be asking for permission. Get the recognition and start acting like you're winning. Make your own decisions. Don't let others make you victims. Have a thought and have a vision. Don't get caught up in the millions, yeah. फाइनली गाइस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और देखो ये वाली जो वीडियो है काफ़ी तगड़ी होने वाली है। नया अपडेट आ चुका है जैसा कि आपको पता होगा, एंड उसी नए अपडेट के मैं आप सभी लोग को अपडेटेड फोर फिंगर क्लो कोड सब कुछ देने वाला हूं। एंड ये वाला मेरा पहला मैच रहता एंड काफ़ी दबाई होने वाली है ये वाले मैच में। अब देखो यार BGMI वाले अलग अलग अपडेट निकालता रहता है। अब ये वाला मैच से पहले भी मैंने एक दो मैच खेले थे। और ये जो आइलैंड है यहां पर काफी बंदे उतरते हैं, लेकिन ये वाला जो मैच है इसमें इतने ज्यादा बंदे जो है नहीं आते हैं। फाइनली जितने भी बंदे आते हैं जल्दी से इसको आइलैंड को क्लियर करके नीचे जाएंगे, एंड नीचे जाके भाई पूरी की पूरी लॉबी को खाली करेंगे। तो वीडियो काफ़ी तगड़ी होने वाली है, पूरा देखना। एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल यहाँ पर देखो किल ज़्यादा निकलता नहीं है एंड ऑटोमेटिकली जो है हम नीचे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर उतरा था एंड यहाँ पर ये ऐसा कुछ बना हुआ था। अब ये गाड़ी तो चली गई एंड जैसे मैं इसके बीच में आता हूँ डायरेक्टली मैं ऊपर चला जाता हूँ। एंड ऊपर जाते ही पता नहीं मतलब क्या ही चीज़ें हो जाती है, क्योंकि इतने दिन मैं बिल्कुल ही गायब था एंड अब जो है रेगुलर वीडियो आएगी। यहाँ पर भाई एकदम ऐसा लगता है कि मुझे जो है फ्री फायर हाथ में दे दिया है। अब बताना यार ये वाला अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यहाँ पर देखो पूरी फ्री फायर की फीलिंग आ ही रखी है। एक बंदा तो यहाँ पर मारते हैं लेकिन आगे जाकर भाई क्योंकि यहाँ पर हील करने का शायद तक कोई ऑप्शन नहीं देता है, दूसरा वाला बंदा निपटा देता है। एंड यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर मैं नीचे आया, नीचे आते ही बग्गी लेकर निकलने लगा, लेकिन सामने पेड़ पर भी एक बंदा जो है लैंड होता है। अब मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था कि कब जो है बंदे लैंड करें एंड कब मैं उनको जो है मारूँ। जस्ट देखना आप, अब मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। अब जैसे जैसे एक एक बंदे मिलेंगे, अब एक इस वाले अपडेट में सबसे बुरी चीज़ यह है कि यहाँ पे पूरी स्क्वाड एक साथ नहीं मिलती है, सारे बंदे अलग अलग मिलते हैं। तो ऐसे में थोड़े से किल्स कम निकलते हैं क्योंकि सारे बंदे को अलग अलग जगह जो है ये फेंकते हैं। अब देखो ये वाले बंदे को जैसे ही मारा डायरेक्टली मैं बग्गी लेता हूँ, मतलब जो भी मेरे पास कार रहती है व्हीकल रहती है उसको ले यहाँ पर आता हूँ। ओपन में दिखता है मुझे एक बंदा क्योंकि वो अभी अभी लैंड कर रहा था एंड मैंने आपको कहा था जैसे जैसे बंदे लैंड करेंगे उनको निपटाएंगे। वो वाले बंदे को वो वाले बंदे को जैसे नॉक करा पीछे की तरफ आती है गाड़ी। जैसे मुझे साउंड आया मैं डायरेक्ट अपने व्हीकल लेके इधर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर यार मुझे दो बंदों के साउंड आए, मतलब पता नहीं फिर एकदम से एक ही कैसे हो गया, क्या हुआ एकदम पता नहीं चला। यहाँ पर देखो ये बग्गी वाला मुझे मिलता है, ये बंदा भी अभी अभी लैंड करता है।90% तो इसको पहले ही डैमेज दे देते हैं एंड बाकी का निपटा दे। अब फिलहाल यहाँ पर देखो कम बंदे ही अलाइव रहते हैं एंड यहाँ पर कैसे किल निकालते हैं जस्ट देखो। सामने की तरफ रहते हैं बंदे, मुझे साउंड आया गाड़ी आई
अब यहाँ पर क्या सीन बना, एक बंदा रहता है ऊपर की साइड, एक बंदा रहता है नीचे की साइड, और ये गाड़ी आ जाती है बीच में एंड दोनों बंदे मतलब बहुत तगड़ा जो है इस पूरी टीम को निपटा देता है। एक बंदा मुझे दिखता है उसको मैंने निपटा दिया। अब एक बंदे को जिससे मैंने निपटाया, मैंने सोचा यार क्लोजिंग करते हैं, थोड़ी लूट वगैरह करते हैं, गिली सूट ले लेते हैं ताकि भाई सर्वाइव करने में सही रहेगा। एंड फाइनली आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, धीरे धीरे क्लोज इन करता हूँ, लेकिन ऊपर की साइड भी रहता है एक बंदा जो कि तगड़ी मतलब जो है मतलब समझ लो कि लोकेशन लेके बैठा हुआ था पोजीशन। एंड अब देखो जैसे तैसे करके मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर जैसे आया मुझे साउंड आती है एक बगी की, और वो बगी आती है मेरी साइड, तो मैं उसको फायर करके रुकाता हूँ। अब ऊपर जो बंदा बैठा रहता है वो उस बगी वाले की एक बंदे को जो है नॉक कर देता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो है किल निकाला नोक वाले का, दोनों ही बंदों के किल मैंने जो है उठा लिए। अब इतनी देर में क्या रहता है कि जो ऊपर बंदा रहता है उस बंदे का भी कोई और दूसरा बंदा जो है निपटा देता है, तो उसकी जो पोजीशन होती है वो पोजीशन थोड़ी देर मैं लेता हूँ एंड फिर निकलता हूँ। तो यह नाग मुझे दिखता है जिसको कि मैं निपटा देता हूँ, यही बंदा जो है जो ऊपर बंदा बैठा हुआ था उसको जो है निपटाता है। हील वगैरह करने के बाद मैं ड्रॉप लूटने आता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी रहता है एक नाग। और अब ये जैसे ही मुझे दिखा तो मैंने सोचा इसके साथ फाइट लेनी चाहिए, और मैंने यहाँ पे रोकी। अब उसके पास भी कवर था, मेरे पास भी कवर था एंड मैंने सोचा यहाँ पर जो है मैं ग्रेनाइट करता हूँ। एंड देखो भाई ये भी ग्रेनाइट करता है, मैं भी ग्रेनाइट करता हूँ, एंड अब क्या होता है इसने भी एक ग्रेनाइट किया लेकिन इसका बहुत आगे गया। एंड मुझे पता था कि भाई मैंने ग्रेनाइट कहाँ पर करा है, तो मैं इजीली उसे जो है क्लोज इन करके निपटा देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर, अब रहता है आखिरी बंदा जो कि रहता है सामने की तरफ, मुझे नहीं दिखता है कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास रहता है एक ग्रेनाइट एंड जहाँ से वायर आता है वहाँ पर मैं जो है एक ग्रेनाइट कुक करके डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे पास स्मोक थे तो मैंने सोचा ये तो परफेक्ट लोकेशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर वो स्मोक करा एंड मैंने अभी बग्घी ली, बग्घी लेते ही मैं जो है यहाँ से निकल जाता हूँ। अब मुझे ढूंढना था कि यार वो वाला बंदा एग्जैक्टली है कहाँ पर। कुछ देर में यहाँ पर रुक के वेट करता हूँ एंड फाइनली मैंने सोचा यार एक ही तो बंदा है जाकर निपटाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आया और मेरी गाड़ी भाई यहाँ पर स्लिप, बट फाइनली कैसे भी करके ये वाले बंदे को निपटा देता है। होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे आप सभी लोग को मेरा कंट्रोल कोड वगैरह मिल जाएंगे, कॉपी कर सकता हो, कोड भी मिल जाएगा एंड और भी कोई डिस्कशन हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी हेल्प की जाएगी। वीडियो चलाओ, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। इसी के साथ मैं मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।